देखो बच्चों 50 क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4×10⁻⁶ कूलम। क्या कह रहा है कि ये सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब है, इसका जो मास है वो कितना है, जो भी यहां पर लिखा हुआ आप देख लेना, है ना। इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकंड। ये जो सिंपल पेंडुलम है ना बच्चों, ये 20 ऑसिलेशंस लगाता है कितने टाइम में, 45 सेकंड में। यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, देखो 20 ऑसिलेशंस लगाता है 45 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन कितने में लगाएगा, 45/20 सेकंड में। तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है ये इसमें, ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड एंड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज स्विच्ड ऑन। क्या कह रहा है कि एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा, T1 क्या आ गया 45/20 सेकंड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्विच ऑन कर दिया, तो क्या पूछ रहे हैं अब ये 20 ऑसिलेशंस लगाने में कितना टाइम लेगा। तो भाई टाइम पीरियड पेंडुलम का होता है 2π√L/g होता है। तो ये T1 टाइम तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, तो क्या होगा बच्चों, सिंपल 2π√L/g। अच्छा वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से किस में चेंज आएगा, 2π तो कॉन्स्टेंट है, एल लेंथ है जो पेंडुलम की फिक्स है, किस में आएगा, जी में आएगा। अब जी क्या बन जाएगा, जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव क्या आएगा बच्चों, इसमें इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर होगा, कितना होगा, QE/m होगा, QE/m फोर्स बाई मास होता है, QE/m। तो नीचे लग रहा है GmG और ऊपर क्या लग रहा है, m में। तो G इफेक्टिव क्या आ जाएगा, G-A। व्हाट इज G इफेक्टिव, दैट इज G-A। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, G इफेक्टिव आ जाएगा। T1 अपने को पता है, T2 अपने को बताना है। तो T1 कितना है देखो, पुट करो, T1 है 45/20, तो 45/20 2π√L/g, ये फर्स्ट आ गया बच्चों। सेकंड आ जाएगा T2 2π√L/g-A, दोनों को कर दो डिवाइड, क्या कर दो डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1/2, तो आ जाएगा 45/20। अब क्या आ जाएगा अपने पास, T2 आ जाएगा नीचे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45/20/T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π से 2π कैंसिल, इक्वल टू क्या बचेगा, √L से √L कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बच्चों G-A जो है अपने पास, ये पलटी मार के ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा G, नीचे क्या बच जाएगा G। बोलो पक्की बात है, देखो मैं इसको मिटाता हूं, आप इसको नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है, इनको अच्छे से देखना। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको मैं कर सकता हूं, ये T2 है 5 से 9, 5 से 4, तो क्या लिख सकता हूं, 9/4 T2 इक्वल टू √G-A/g को क्या लिख सकते हैं, G/g क्या बन जाएगा, 1-A/g। अच्छा A कितना है सर, QE/m, QE/m। तो देखो QE क्या आ जाएगा, Q चार्ज कितना है बच्चों इसके ऊपर, चार्ज है इसके ऊपर 4×10⁻⁶। तो 4×10⁻⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2.5×10⁴। 2.5×10⁴ अपॉन इसका मास, मास इसका कितना है 40 ग्राम। 40 ग्राम को अगर केजी में बदलेंगे तो आ जाएगा 40×10⁻³। तो क्या क्या बन जाएगा, -3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 2.5 से कैंसिल हो जाएगा 10, 4 बचेगा, भाई 4 कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, 4 आ गया यहाँ पर, -3, 4 -3, 1, तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो बच्चों ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। सोल्व कर लेना, QE/m में चार्ज गिवन है, E गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, आप उसको कर लेना, ठीक है। यहां पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 9/4 T2 इक्वल टू √1-A क्या आया 2.5 अपॉन G क्या आया 9.8 है जो हमें पता है, ठीक है। अगर यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों जो T2 है ना अपने पास वो आ जाएगा, T2 की वैल्यू आएगी 2.6 सेकंड। तो देखो ये तो एक ऑसिलेशन का टाइम है, टाइम पीरियड है, अगर 20 ऑसिलेशंस का टाइम पूछेगा तो बच्चों वो क्या आ जाएगा, 20×2.6 और 20×2.6 हम करेंगे तो बच्चों वो आ जाएगा लगभग 52 सेकंड। क्या आ जाएगा, 52
सेकंड, ठीक है, क्या आ जाएगा 52 सेकंड। तो सिंपल सा सवाल है, टाइम पीरियड निकालना है, 2 पाई रूट एल बाई जी होता है, 2 पाई एल तो फिक्स होगा, चेंज क्या रहेगा, जी में चेंज आएगा, जी इफेक्टिव, वो क्या बन जाएगा, जी माइनस ए बन जाएगा। आसान सा सवाल है, इसको नोट करो, थैंक यू।